उन्होंने एक अल्फाज बोले कि इन्हों बच्चे है अभी, उन्होंने सियासत में बच्चे, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ अभी सियासत में बच्चे है वो, तो बस मैं और कुछ नहीं यही बताना चाह रहा था क्योंकि आवाम को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जिस तरीके से कल यहाँ के MLA महागंटी गोपीनाथ साहब जो लेक्स कॉलोनी में इनाग्रेशन के लिए है, जो ऑलरेडी अभी भी मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथों इब्तदा अमल में आया था, एज पर प्रोटोकॉल उन्हें प्लेट बनी थी, लेकिन महागंटी गोपीनाथ साहब जो है फिर उसको इनाग्रेशन करने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेकर सब तमाशे करके बहरहाल कल आए थे। वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि कॉलोनी वालों का क्या रिस्पांस था, मैं तो किसी को बोला नहीं था, कॉलोनी वाले अपने तरफ से किस तरीके से वो लोग बताएं अपना जवाब, और उन्होंने बोले कि इसका बजट नहीं गिरा था, जून में इनाग्रेशन सेंशन हुआ, इनाग्रेशन करे, मैं बजट डला के आके इनाग्रेशन कर रहा हूँ बोले, तो मैं इसका जवाब देना ज़रूरी समझा। मैं आप मीडिया के जरिए मेरे कॉलोनी के यहाँ के लेक्स कॉलोनी सोसाइटी प्रेसिडेंट जुनेदी साहब है, और बाजू के मिनी जानकिनर के खदीर साहब यहाँ मौजूद हैं, फातिमा नगर के जुबैर साहब है, मेरे इब्तदाई सदर मोहतमद्दीन यहाँ के इब्तदाई मौजम साहब भी मौजूद है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप मीडिया के ज़रिए, ये है सब में पहले देखिए साहब, ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर्कल 18 जुबली हिल्स, जो हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ऑफिस होती है वहाँ पर ये फाइल नंबर है साहब, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। फाइल नंबर के साथ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सर्कल 18 जुबली हिल्स लेहिंगा BDCC रोड, हाउस नंबर्स इंक्लूड है डिलेक्स कॉलोनी शेखपेट, रेफरेंस एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑनरेबल कारपोरेटर शेखपेट। ये सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मैं खसूसी जाकर ये काम को सेंशन लिया था, इसका ये एक पेपर है। और रहा MLA साहब बोले कि बजट मैं दला कर आया, ये बजट कॉपी है साहब, ये इसकी डेट है, आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को कॉपी भी दे देता हूँ, ये 27 मई 2022, ये 27 मई का बजट कॉपी है, और हम लोग इनाग्रेशन कर रहे थे जून में, ये कल बजट गिरा बोले, ये कॉपी है आप लोगों के सामने। और ये है इंटीमेशन, जो कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर के लिए इंटीमेशन देते काम करने के लिए, ये इंटीमेशन का, तो ये पूरे आप लोगों को मैं हार्ड कॉपी भी एक दे देता हूँ। तो मैं बताना चाह रहा था कि उन्होंने जिस तरीके से बोले कि मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ MLA साहब को, यहाँ की पब्लिक जो है ना शेखपेट डिवीज़न की आवाम पूरी समझदार है, एजुकेटेड लोग है, क्योंकि आप यहाँ पर जो मुकवाया बोल दिए मैं ला लिया कल कर लिया ऐसा नहीं सब चलता है यहाँ पर, तो शायद कहीं और चलता होगा, लेकिन यहाँ की पब्लिक जानती है कि कौन काम करा के लाए, सदर मोहतरम का कितना इंटरेस्ट है शेखपेट की आवाम की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। तो ये उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जबानी अल्फाज नहीं चलते, यहाँ पर पब्लिक एजुकेटेड लोग समझदार लोग हैं जो जानते हैं, और उन्होंने एक अल्फाज बोले कि इन्हों बच्चे हैं अभी, उन्होंने सियासत में बच्चे, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ अभी सियासत में बच्चे है वो, तो बस मैं और कुछ नहीं यही बताना चाह रहा था क्योंकि आवाम को भी ये चीज़ मालूम होना चाहिए। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि वो भी स्टेटमेंट में बोल रहे थे कि रात से काम शुरू हो जाएगा या आज सुबह से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ वक्त तो दिखा नहीं रोड पे। देखिए साहब इन्हों क्या करते बोले तो इनकी पॉलिसी, ऑफिसरों को फोन करके पहले से डरा के पूछ लेते कि काम कब स्टार्ट हो रहा, वो मौका देख के इन्हों हालात में वो करते, जो कभी कभी काम को क्या होता साहब आप लोग भी जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का स्ट्राइक चल रहा था, काम को कभी कभी एक आध महीना इधर उधर होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर स्ट्राइक पे थे, बिलों का इशू चल रहा था GHMC में पूरा, हम भी स्टैंडिंग कमेटी में सदर साहब से इजाजत लेकर हम लोग भी बिलों के लिए वोट टाई करे और चल रही आहिस्ता आहिस्ता बिल्स भी दे रहे हैं, और भी बहुत कुछ आना है, तो वो हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है जिसके थोड़े बिल्स रिलीज हो गए तो हम लोग काम करने के लिए रेडी है। तो ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ की सोसाइटियों को मैं इन्फॉर्म करके था कि विदिन 8 डेज ये काम स्टार्ट हो रहा, तो उन्होंने क्या है उनको न्यूज ऑफिसर बोले कि कारपोरेटर प्रेशर कर रहे हैं सब स्टार्ट कर रहे हैं, वो चीज़ उन्होंने बोल दी कि रात में स्टार्ट होता क्या है, जो मुका बोल रहे ऐसा नहीं होता साहब, यहाँ पर एजुकेटेड लोग है, तो ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ के समझदार लोग है, यहाँ के लोग जानते हैं समझना चाहिए। मैं तो काम कर रहे हैं हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में, खैर वो अवाम देख रही है काम बेहतर जानती है, जज़ाकअल्लाह साहब, आप तमाम का शुक्रिया अदा।